आ चुका है प्रो का। मैं खुद यहाँ पे जो चैनल बना के बैठा हूँ स्मार्ट लाइक अब प्रो है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप सबके सब स्मार्ट लाइक प्रो है। और बात करता हूँ आज के वीडियो की, मेरे पास एप्पल एयरपॉड्स प्रो है। जब मैंने परचेज किया था प्राइस थी 23,000, अभी आपको 21,000 या फिर उससे बिलो में मिल जाएगा। साथ में पास सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो है, अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। जब मैंने परचेज किया था प्राइस 16,000 रुपये थी। और ये मेरे पास ओप्पो एनको एक्स TWS है, जब मैंने परचेज किया था प्राइस 10,000 थी। ये दोनों के दोनों सैमसंग और ओप्पो अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च किए गए। एप्पल एयरपॉड्स प्रो मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल है और काफ़ी लोग मानते हैं कि एक्चुअल में जब बात आती है कॉलिंग डिपार्टमेंट की तो यहाँ पे एप्पल एयरपॉड्स प्रो सबसे बेस्ट है। सैमसंग, ओप्पो, जबरा, जितनी भी बची हुई कंपनी है उनको ईजिली बीट कर देते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ के अंदर भी जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह आती है वो भी एप्पल एयरपॉड्स प्रो यूज़ करते हैं फॉर कॉलिंग सेगमेंट, जब ऑन कॉल यहाँ पे बात हो रही होती है। तो मेरे को नहीं लगता कि एक्चुअल में एप्पल एयरपॉड्स प्रो कॉलिंग में बेस्ट है। हमेशा आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब बात आती है कॉलिंग की, सैमसंग या फिर गैलेक्सी बड्स हो, बड्स प्लस हो या फिर बड्स प्रो हो, ज़्यादा बेटर आपको कॉलिंग प्रोवाइड करा देगा। फिर तो बचे हुए TWS, तो मैं सोचा क्यों ना आपको एक छोटा सा कॉलिंग कंपैरिजन करके दिखा दूँ। और ये जो कॉलिंग कंपैरिजन है बहुत रेयर कंडीशन वाला कंपैरिजन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हैवी ट्रैफिक होगा। होता क्या है, जब मैं आपको एक कॉलिंग सैंपल दिखाता हूँ वहाँ पे इंडो कंडीशन होती है, आउटडोर कंडीशन होती है, विंड एनवायरमेंट होता है और एक लाइट ट्रैफिक का आइडिया लग जाता है। बट हैवी ट्रैफिक का आइडिया देना बहुत मुश्किल होता है। जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैं खुद यहाँ पे मार्केट में गया, मैंने यहाँ पे तीनों का एक लाइव कंपैरिजन किया कि एक्चुअल में एप्पल एयरपॉड्स प्रो जिनके लिए मैंने 21,000 रुपीज़ पे किए हैवी ट्रैफिक में कैसा परफॉर्म करेंगे, ये ओप्पो एनको एक्स जिनके लिए सिर्फ मैंने 10,000 रुपीज़ पे किए, आई थिंक सिर्फ नहीं है 10,000 बहुत होते हैं, और ये सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो जिनके लिए मैंने 16,000 पे किए, क्या ये हैवी ट्रैफिक में सर्वाइव भी कर पाएंगे, जो मेरी आवाज़ है आगे लाउड क्लियर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, ये सब चेक करने के लिए जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैंने ये वीडियो बनाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको शेयर कर दूं ताकि आप खुद को आइडिया ले सके एक्चुअल में इस रेयर कंडीशन में हैवी ट्रैफिक के अंदर ये तीनों कैसे परफॉर्म करते हैं। और अगर मैं वीडियो की बात करता हूँ तो पहले आप माइक के थ्रू, कैमरा का जो माइक होगा उसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में जो ट्रैफिक है वहाँ पे कितनी आवाज़ आ रही है, कितनी आपको नॉइस देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप डायरेक्टली इन तीनों का माइक के थ्रू कॉलिंग सैंपल सुनोगे, क्योंकि तीनों के अंदर नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है। डेफिनेटली कुछ साउंड यहाँ पे कम होने वाली है, कितनी होगी इसका आइडिया आपको डायरेक्टली खुद लग जाएगा। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे जो जज होने वाले हैं वो आप होने वाले हैं। तो कमेंट करके बताना जरूर कि एक्चुअल में रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगा है। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप रिव्यू नेट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने भी गैजेट आपको मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ मैं खुद परचेस करता हूँ, तो कुछ भी यहाँ पे चापलूसी वगैरह नहीं होगी। जो आपको कहना है इजीली फ्री होकर कहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पे खुद भी अपने जो पॉइंट्स है स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आपको बता देता हूँ। तो चलिए बातें बहुत हो गई है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एट द एंड मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, उसके लिए ये सब जरूरी है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो वॉच सुन रहे हो, हम यहाँ पे कैमरा के थ्रू लाइव आउटडोर कंडीशन में शूट कर रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में रियल लाइफ ट्रैफिक के अंदर आउटडोर कंडीशन में इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है कैसे परफॉर्म करता है, लाउडनेस क्रिएटिव कितने देखने को मिल जाएगी। आई थिंक सैंपल सफिशियंट है आपको प्रॉपर आइडिया देने के लिए ओप्पो एनको एक्स कॉलिंग डिपार्टमेंट। ये जो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके बाद मैंने सैमसंग बड्स प्रो को रखा था, अब आपको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आप कैसे इसके माइक्रोफोन आवाज़ सुन रहे हैं, ऑन कॉल में बात कर रहे हैं, आपको लग जाएगा इस टाइम पे जो नॉइस कैंसिलेशन है कैसा बहुत करता है, स्पेसिफिकली जो आउटडोर कंडीशन लाइट ऑफ होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इसकी जो कॉलिंग डिपार्टमेंट कैसा मिलेगा। आई थिंक सैंपल सफिशियंट है जहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन क्लियरिटी लाउडनेस सुनने का लग जाएगा प्रॉपर आउटडोर कंडीशन आपसे, तो आई थिंक सैंपल सफिशियंट है। कमेंट में बताएंगे एक्सपर्ट में आपको रियल लाइफ में कैसा लगा है। आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हुआ, स्पेसिफिकली जब यहाँ पे स्विच कर रहे थे कैमरा का जो माइक था वहां से जब यहाँ पे इन टीडर्स के माइक में स्विच करते हैं, जो नॉइस कैंसिलेशन कितना प्रॉपरली वर्क कर रहा था, बाहर की आवाज कितनी हद तक ब्लॉक कर दी जाती है, ये जब मैं खुद यहाँ पे रिकॉर्डिंग वापस सुन रहा था जब वीडियो बना रहा था बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था। और रियलिटी तब पता चलती है एक्चुअल में यहाँ पे कैसा ये नॉइस कैंसिलेशन के वर्क करते हैं, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है। एक और चीज़,
ये जो आपने सैंपल देखा है यहाँ पे तीनों का डिटेल कॉलिंग कंपैरिजन भी नहीं है, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। मान के चलिए इंडोर कंडीशन होती है, एक विंड एनवायरनमेंट होता है, आउटडोर कंडीशन में जो लाइट ट्रैफिक होता है, उन सब कंडीशन अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए एक्चुअली कॉलिंग में सबसे बेस्ट कौन सा है। छोटा सा सैंपल था यहाँ पे हैवी ट्रैफिक की, और जो हैवी ट्रैफिक होता है बहुत रेयर कंडीशन में होता है, नॉर्मली हम घर के अंदर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, बाहर भी जब होते हैं तो ट्रैफिक के अंदर बातें नहीं करते हैं, तो ये रेयर कंडीशन थी। इसको एक डिटेल कॉलिंग कंपैरिजन मत समझिएगा, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैंने वीडियो बनाया था। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इन तीनों में से हैवी ट्रैफिक में आपको सबसे बेटर कौन सा लगा है वो भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट 2 या 3 डेज के अंदर तीनों के ऊपर मैं डिटेल रिव्यू विथ प्रोज एंड कॉन्स लेके आने वाला हूँ, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्चुअल में जो भी गैजेट्स हमें चैनल पे देख रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हमें चैनल पे देखते हैं, सबके सब मैं खुद परचेस करता हूं, तो जो मुझे सही लगता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूं, जो मुझे नहीं लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं मना कर दूंगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड मुझे सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।